सो व्हाट्स अप गाइस, फिर से वेलकम हो गया मेरे चैनल पे द लेजी बाई का। आज मैं सो गया था तो मैं फिर मुझे भी याद आया कि नहीं, मैंने कुछ प्रॉमिस किया है कि मैं आपको रिवन एरिया के साइड पे जो जो नॉर्थ या रिवन एरिया के अगल बगल रहते होंगे उनको पता होगा कि यहाँ एक पहाड़ है जहाँ पहले डायनामाइट चार्ज किया जाता था। अभी उधर कुछ नहीं होता, अभी काम बंद है, डायनामाइट चार्ज नहीं होता, लेकिन अभी भी उधर गड्ढा अभी भी है और उधर तो उतर नहीं सकते क्योंकि अब तो उधर पूरा जंगल हो चुका है। तो मैं आप लोग को वो प्लेस दिखाऊंगा कि वो जो पहाड़ है हम लोग की तरफ चढ़ने के लिए और नीचे में जितने सारे गड्ढे मैं बोल रहा था उस साइड में ले आने की कोशिश करूँगा जितना मुझसे हो सके, क्योंकि भाई वो तो समझ रहे हो भाई गड्ढा है तो हिसाब से थोड़ा सा संभल के रहना है। तो जाऊँगा ऊपर और मैं बताऊँगा। तो फिलहाल मैं लोकेशन पर तो पहुँच चुका हूँ और पहुँच के ही मैं वीडियो स्टार्ट किया, तो आप देख पा रहे हो पीछे, ये पीछे जो है ये ग्राउंड हो गया, पीछे हुए थे सॉरी मैं ग्राउंड बोल गया सॉरी पीछे हो गया पहाड़, तो आपको इसे दिख नहीं रहा। मैं आपको अच्छे से और सामने से आपको दिखाता हूँ, मैं आपको ले जाता हूँ ऊपर, आप फिर देखना और वहाँ का जाके सीन देखना भाई। तो भाई चढ़ाई शुरू हो चुकी है और हम लोग चढ़ रहे हैं फिलहाल पहाड़ के ऊपर और आपको ये रोड वे देखो, पहाड़ के चढ़ने के लिए ये रोड देखो तो मस्त वाला, मतलब उतना अच्छा भी नहीं है। तो भाई चप्पल पहन के तो मत चढ़ा करो इतना मैं बोलूँगा, अगर आप चढ़ते हो ऊपर तो कम से कम एक अच्छा शू पहन लो ताकि स्कीड ना करे, वरना छोटा छोटा पत्थर है तो इधर स्कीड हो सकता है। बाकी अभी तो फिलहाल बरसात का टाइम नहीं है तो उतना नहीं होगा, लेकिन फिर भी भाई सेफ्टी फर्स्ट, वो आप कुछ भी करो, राइडिंग करो या फिर हाइकिंग करो तो सेफ्टी फर्स्ट। सो दैट्स व्हाई भाई शू मैं रिकमेंड करूंगा, आप शू पहन के आओ। तो इधर का सीन देख रहे हो भाई, देखो ये रोड, और वीडियो पे शायद आपको लग रहा होगा कि ये शायद छोटा सा है या सामने शायद बहुत छोटा है चढ़ जाओगे, हाँ तो भाई छोटा है लेकिन चढ़ने में लगता है कि हाँ भाई पहाड़ चढ़ रहे। वीडियो पे आपको शायद समझ नहीं आए पर भाई देखो सही से, अगर ऐसे आप देखो ना तो देखो समझ पाओगे कि कितना ऊंचा है, है ना भाई। तो देखो यहाँ तक मैं आधा आधा से ज़्यादा ही मैं पहुँच चुका हूँ और यहाँ से मैं नीचे का व्यू दिखाता एक बार, देखो भाई हर सिर्फ ग्रीन सिटी भाई, सिर्फ ग्रीन, वो कुछ नहीं दिखेगा सिर्फ ग्रीन दिखेगा। चलते ऊपर खड्डा, ओ भाई साहब तो हम चढ़ तो चुके हैं ऊपर तक और यहाँ पे अगर शाम में थोड़ा देर बैठते हैं तो थोड़ा सा सनसेट का फील तो ले ही सकेंगे। तो भाई जो जो नॉर्थ या सीमजोड़ी या चितन कोई पहचानते हो जरूर सामने पहचानते होंगे, तालतला स्कूल के बगल में एक छोटा सा पहाड़ है तो ये पहाड़ के ऊपर का सीन है। अभी तो जंगल हो चुका भाई, पहले साफ सुथरा थोड़ा रहता था अभी जंगल हो चुका है। तो मैं एकदम टॉप से मैं आपको दिखाता हूँ चित्तन का व्यू एक बार, वो भाई दूर पे देख रहे हो जो पानी वाला जगह और सामने जो है वो सब वो कारखाना हम लोग का CLW प्रोडक्शन यूनिट है और बगल पे जो आपको पानी दिख रहा वो डैम का लोकेशन है और इस साइड पे भी एक डैम है, जितने से डैम मैंने आपको दिखाया है वो सब डैम ही है वो सब। और ये हो गया नीचे का व्यू, यहाँ से ग्राउंड देखो भाई, और मैं पत्थर के ऊपर चढ़ता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, देखो भाई यहाँ से सीन देख रहे हो पूरा चित्रंजन, यहाँ से नॉर्थ सीमजोड़ी सब इधर से मोटा मोटी दिख जाता, सभी दिख जाता है। नॉर्थ का वो मंदिर में जो दिखाया था सीमजोड़ी से इस साइड सीमजोड़ी पड़ेगा, ये हो गया रिवन एरिया, इस साइड हल्का सा पीछे ही इसका नॉर्थ, वो देखो दूर पे एक मंदिर दिख रहा है रेड कलर का शायद दिख रहा है कि नहीं, फतेह वाला मंदिर हम लोग को दिख गया यहाँ से ही। और भाई इधर कुछ है और आप उधर जो देख रहे हो फिर वो फिर झारखंड साइड हो गया, एकदम दूर पे देखो जो खाली खाली दिख रहा है जो ग्राउंड टाइप्स दिख रहा है थोड़ा सा
वो फिर झारखंड पहुंच गया। जहां तक वो पेड़ दिख रहा सब भाई बंगाल का जगह है, सब जितना देख रहे हो जितना यहाँ तक पेड़ दिख रहा भाई सब बंगाल का जगह है। और ये आता है चितरन के अंदर। तो हम लोग चलते हैं पहाड़ के दूसरे साइड पे और आपको बाकी उधर का भी दिखाते हैं सीन, तो वीडियो पे बने रहिए। तो भाई जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज 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 वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। और हमारे चितरन को थोड़ा सा आप लोग देखिए कैसा है और उनको जताइए। बाकी भी जितने सारे बाहर के हैं उनको पता है नाम लेकिन कभी देखे नहीं है, तो उनको भी आप दिखाइए, अच्छा लगेगा। आई थिंक ये प्लेस तो बहुत अच्छा है। और जिन्होंने अभी तक मेरा हिल टॉप का वीडियो नहीं देखा, मैंने हिल टॉप का भी दिखाया है, जिन्होंने अभी तक हिल टॉप का वीडियो नहीं देखा सो मैं आई बटन में आपको देख रहा होगा, आप आई बटन में क्लिक करके वहाँ से आप हिल टॉप का वीडियो देख लीजिए। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ नीचे साइड पे पहाड़ के पीछे साइड पे, और मैं पीछे साइड पे आपको दिखा रहा हूँ इधर पे गड्ढा कैसा है। तो भाई ये हो गया पीछे का सीन, देखो इस पे दिखेगी नहीं भाई नीचे गड्ढा, समझ में आ रहा है गड्ढा, देखो नीचे ये पूरा डाउन है। हम लोग एक बार बहुत पहले इधर हाइकिंग किए थे, थोड़ा सा चने क्रॉस किए थे, एक बंदा यहाँ से स्किड करता थोड़ा सा बच गया था, नीचे भाई स्किड किया ना तो सीधा नीचे बहुत गड्ढा है। पहले उधर डायनामाइट चार्ज होता था भाई उस साइड पे, नहीं इस साइड पे होता था, तभी तो जंगल हो चुके हैं, मेरे को रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जितना जा सकता हूँ उतना मैं कोशिश करूँगा। तो भाई बच्चे को अगर अब ले के आता तो प्लीज़ भाई साथ में रखना, हाथ मत छोड़ना क्योंकि इधर गड्ढा उड्ढा है, तो भाई साथ में रखो और घूमने के लिए आओ, इतना मस्त लोकेशन। सूरज कितना मस्त लग रहा है यहाँ से, देखो भाई देख रहे हो, तो मैं खोजते खोजते मैं सोचा चलो एक अच्छा व्यू अप एंगल लेते हैं जहां से आपको सबको समझ में आए कि कितना गहरा है। तो भाई देखो हम यहाँ पर पहुंचे और ये देखो हम मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ से शुरू हो चुका है ढलाव, देख रहे हो, देखो भाई यहाँ से ढलाव चालू हो चुका है। मतलब अगर सीधा कोई एकदम पूरा सीधा डाउन मेरे को दिख रहा है, मेरे को तो चढ़ने का कोई जगह नहीं दिख रहा, वो रहा नीचे पानी आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, वो देखो पंछी उड़ के गया उस साइड पे, नीचे पे पानी है वहाँ पर एकदम वो नीचे डाउन तक, वो डाउन तक सीधा देखो पानी दिख रहा, देखो तो पूरा भाई ऐसा गड्ढा है इधर से, और इधर से भी रोड है भाई, मतलब उतरने के लिए सीढ़ी है बना हुआ है, अगर आप चाहो तो इधर से उतर सकते हो, पर आई थिंक अब रोड कैसा होगा क्योंकि जंगल हो चुका है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने इधर से नहीं आया, मैं इधर से ही आया। तो आप इधर से भी आ सकते हो आई थिंक रास्ता होगा क्योंकि मैं देखा नहीं हूँ, और उधर अभी जंगल दिख रहा है मेरे को, तो मैं अभी फिलहाल उस साइड नहीं जाऊँगा कि मुझे फिर इधर से उतरना है, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत जैसा यू राउंड घूम के मेरे को फिर घर जाना होगा, सो इसीलिए मैं इधर से ही जा रहा हूँ। चलते अब नीचे, सीन तो आपने देख लिया होगा और आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो वीडियो पे जरूर जो नए हो जिनको वीडियो जितना जैसा भी लगा होगा भाई कमेंट पे लिखना, और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, हिट द लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो पे, और संडे प्लान हो रहा है कहीं बाहर जाने का, तो अगर संडे प्लान अगर वो सक्सेस होता है तो हम लोग फिर चलेंगे एक नए लोकेशन की ओर, और उतर के फिर वहाँ जाके आपको दिखाएंगे कौन सा लोकेशन अभी रिवील नहीं कर रहे, तो स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करना ना भूलिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।